रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, हम कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं, तो आज हम टेंसेस करेंगे। देर आर थ्री मेन वर्ब टेंसेस, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट है, हैपनिंग नाउ। शी प्लेज टेनिस, वो टेनिस खेलती है। जो पहले हो चुका है वो पास्ट में है, दिस हैपेंड। शी प्ले टेनिस, उसने टेनिस खेला। और जो मुस्तकबिल में होगा, शी विल प्ले टेनिस। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह असन में जमाने की कसम खाता है, हर लम्हा गुजरने वाले लम्हे में तब्दील हो रहा है। तो सिर्फ वही लोग जो हैं वो बचे हैं जिन्होंने ईमान लाए, नेक अमल किए, आपस में एक दूसरे को हक और सबर की तलकीन की। तो एक्शंस विच आर डन ऑफन यूजली समटाइम्स आर एवरी डे, जो एक्शन हम रोज करते हैं उनके साथ पर्सनल प्रोनाउंस ही और शी और इट के साथ एस और ई एस या आई ई एस एड होता है। जैसे पर्सनल प्रोनाउन आई यू वी एंड दे, जो प्लूरल है उनके साथ ओरिजिनल फॉर्म की वर्ब रहती है। तो ले आई एग्जाम्पल्स देखते हैं। टू शो जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट्स, एड एस टू द ओरिजिनल फॉर्म, लाइक द मून शाइन्स एट नाइट, शाइन के साथ हम एस लगा देंगे तो ये प्रेजेंट टेंस बन जाएगा। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये भी एक यूनिवर्सल फैक्ट है, तो इसके साथ भी हमने मूव के साथ एस लगा दिया। फिर हैबिचुअल एक्शन और एन एक्शन दैट इज डन ऑफन, हैबिचुअल कहते हैं जो बार बार एक्शन किया जाए। जैसे ही वॉक्स टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, तो वॉक के साथ एस लगेगा क्योंकि हम रोज स्कूल जाते हैं। फिर है अहमद सेल्स फ्रूट्स एंड ड्रिंक्स, तो करने का काम भी रोज करते हैं, तो सेल के साथ सेल्स लग जाएगा। लेकिन वो वर्ब जो वाई पे एंड होते हैं, वाई को हटा के उनके साथ आई ई एस लगाते हैं। जैसे शी स्टडीज हार्ड एवरी नाइट सो दैट शी कैन पास द एग्जाम, स्टडी को स्टडीज बन जाएगा। एड ई एस टू द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन द वर्ब एंड्स विद एस एस एच सी एच आर ओ, जैसे वॉच जो है वॉचिज बन जाएगा, ई एस लगेगा। अली वॉचिज टेलीविजन, ही वॉशिज हिज कार एवरी वीक, एस एच के एंड पे ई एस लगेगा। इसी तरह क्रॉसेस के साथ भी, क्रॉस के साथ ई एस लगेगा, क्रॉसेस बन जाएगा। सना क्रॉसेस दैट रोड, माई मदर गोज टू द सुपर मार्केट, गो है तो गोज बन जाएगा, ई एस लगेगा। फिर है लेकिन अगर प्लूरल फॉर्म है प्रोनाउन की तो ओरिजिनल वर्ब भी रहेगा। जैसे दे ईट डिनर एट 6 पीएम एवरी इवनिंग, ईट को ईट ही ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा। We drink orange juice every morning. दो बहन भाई orange drink पी रहे हैं, तो drink ही रहेगा। I walk to school with my friend. तो I and my friend दो तीन लोग हो गए, तो ये walk ही रहेगा। Exercise, choose the correct verb in present tense from form to fill in the blanks. जैसे his father dash to work by car every morning. तो अब आपने इसमें से choose करना है, goes आएगा या go आएगा। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने यही सीखा है कि ये ओ पे एंड हो तो ई एस लगता है, तो हिज फादर गोज। उसके बाद है शी डैश हर टीथ एवरी डे, तो ब्रश है तो एस एच पे एंड हो रहा है, तो इसके आगे ई एस लग जाएगा, शी ब्रशिज हर टीथ एवरी डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ टाइगर रन वेरी फास्ट, तो इसमें क्योंकि टाइगर एक प्लूरल एक सिंगुलर है तो एस लगेगा, A tiger runs very fast. एक चीता बहुत तेज भागता है। Next example है, we plural है, we sell vegetables every morning. दो लोग बेच रहे हैं, तो present tense में original form of the verb ही रहेगा, we sell vegetables every morning. अब past tense है, past tense का simple सा rule है कि play के साथ वर्ब के साथ ईडी लगा दें तो वो पास्ट में बन जाएगा। व्हाट डिड यू डू टुडे, आई वॉश माय हैंड्स, आई वॉश, वॉश के साथ आपने ईडी लगा दिया। जैसे माय मदर कुक्स डिनर, मेरी अम्मी डिनर रात का खाना तैयार करती हैं। लेकिन अगर आपने इसको पास्ट टेंस में करना है, माय मदर कुक डिनर, मेरी माँ ने खाना तैयार किया, तो आप कुक के साथ ईडी लगा देंगे। इसी तरह कैंगरू हॉप्स प्रेजेंट टेंस है, कैंगरू उछल के चलता है, उछल के चलने को हॉप कहते हैं, कैंगरू हॉप्ड। तो अगर हम पास्ट टेंस में करेंगे तो हॉप्ड ईडी साथ लग जाएगा। इसी तरह शी बेक्स केक, उसने केक बनाया, प्रेजेंट टेंस है, अगर हम बेक के साथ डी ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा शी बेक्ड केक, उसने केक बेक किया।
शी स्टडीड हार्ड, तो वाई जो है वो आई ई डी में चेंज हो जाएगा, तो ये स्टडी की बजाय स्टडी पास्ट टेंस में हो जाएगा. दे कैरी बैग्स, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि वाई पे एंड हो रहा है, तो वाई हटा के हम आई ई डी लगा देंगे. दे कैरीड बैग्स, उन्होंने बैग उठाए. अब हम अपनी बुक की एक्सरसाइज की तरफ आते हैं. चूज द करेक्ट वर्ब, ठीक है, प्रेजेंट टेंस के आगे पीआर लिखें और पास्ट टेंस ये है. जॉन कॉल्ड हिज टीचर, जॉन ने अपने टीचर को बुलाया. अब वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें, तो कॉल इज द ओरिजिनल वर्ब फॉर्म, तो क्योंकि कॉल्ड है तो इट इज अ पास्ट टेंस, कॉल प्लस ईडी इज कॉल्ड, इट इज पास्ट टेंस. नेक्स्ट एग्जांपल इज जॉन्स ग्रे आईज फिल्ड विद फियर, जॉन की सुरमई आंखें जो हैं वो खौफ से भरी हुई थी. अब फिल्ड, फिल्ड जो है वो ओरिजिनल वर्ब है, और क्योंकि फिल्ड है तो फिल्ड के साथ ये फिल प्लस ईडी फिल्ड इज पास्ट टेंस, शाबाश. नेक्स्ट एग्जांपल है माई फादर नोज नथिंग अबाउट हॉकी, सिंगुलर है माई फादर नोज, नो के साथ एस लगा हुआ है, तो ये अभी हम पढ़ के आए हैं कि जब ओरिजिनल वर्ब के साथ एस लगता है तो इट इज अ प्रेजेंट टेंस, नो प्लस एस इज नोज प्रेजेंट टेंस, मेरे फादर नहीं जानते हॉकी के मुतालिक. ही लव्स हिज फादर, वो अपने वालिद से मोहब्बत करता है. ही इज द प्रोनाउन सिंगुलर, तो लव के साथ हमने एस लगा दिया, तो दिस इज अ प्रेजेंट टेंस. हमें सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करनी चाहिए और अल्लाह से करनी चाहिए, और बाकी सारी मोहब्बतें इसकी ताबे होनी चाहिए. आई सा योर फादर ऑन द स्ट्रीट लास्ट नाइट. अब सा जो है ये जो है सी की पास्ट टेंस की फॉर्म है. ये ऐसे जो वर्ब्स हैं जो के चेंज हो जाते हैं सी से सा पास्ट टेंस है, इनको हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं. जैसे इसकी कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे मेक से मेड, गिव से गेव, बिल्ट से बिल्ट, राइज से रोज, और ईट से एट, ये वो वर्ब्स हैं जिनको इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं. ये जो हम रूल्स अभी पढ़े हैं उनको फॉलो नहीं करते. तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आई होगी. इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें.